यती नरसिम्हानंद ने जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया, उसको देखते हुए ऑल इंडिया मदरसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो ज्ञापन देने पुलिस कमिश्नर को देने पहुंचे हैं। और नरसिम्हानंद अक्सर इतना समाज के अंदर एक माहौल गर्म हो, हम भी चाहते थे कि उस पर कार्रवाई हो और यह माहौल खराब ना होने दिया। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ आपने यहाँ ज्ञापन दिया है हजरतगंज कोतवाली में, क्या कहेंगे आप, क्या हुआ, आपने क्या बात रखी, उन्होंने क्या? एसीपी साहब को ज्ञापन दिया और मैंने मांग किया कि इस तरीके से ये हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है जिससे माहौल गर्म हो रहा है, इसमें कभी भी शांति भंग होने का खतरा है क्योंकि मुसलमान जो हैं सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता है लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करता कर सकता किसी कीमत पर, ये उसके आगे जान भी गवा सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है एसीपी साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, उच्च अधिकारी से बात करूंगा और मैंने कहा कि इस तरीके से ये कई बार हुजूर की शान में गुस्ताखी कर चुका है और इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अगर कार्रवाई होती है तो ठीक, अगर नहीं होता? अगर नहीं होती है तो हमारी पार्टी ये तय करेगी मंडे के बाद, मंडे के बाद तय करेगी कि हम पूरे उत्तर प्रदेश से, ये हमारे शौकत साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहेंगे, लेकिन उनकी कही हुई बात पर कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे उत्तर प्रदेश से हम एक बहुत बड़ा एहतजाज लखनऊ में करेंगे, डीजीपी का घेराव करेंगे और जब तक कि इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जेल नहीं भेजा जाता है, तब तक इसके खिलाफ आवाज हम लोग उठाते रहेंगे। आपने डीसीपी साहब को ज्ञापन दिया ठीक है? जी हाँ, तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आश्वासन दिया मैं अवश्य काम कार्रवाई करूंगा और कोशिश करूंगा और उच्च अधिकारी को मैं इसको काफी भेजता भी हूँ और कार्रवाई करूंगा इस पर।